हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पी रोम वर्सेस ई पी रोम। तो आज का क्वेश्चन भी है डिफरेंस बिटवीन पी रोम एंड ई पी रोम। पी रोम ई पी रोम, पहला पॉइंट, पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी पी रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इराजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इराजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद दूसरा पॉइंट, डेवलप्ड बाय ओएंग सिंह चाओ इन 1956, यानी 1956 पर ओएंग सिंह चाओ ने पी रोम को डेवलप्ड किया है, और डेवलप्ड बाय जॉर्ज फालेगोस इन 1978, यानी 1978 पर जॉर्ज फालेगोस ई पी रोम को डेवलप्ड किया है। उसके बाद अगला पॉइंट, ए पी रोम दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय ए यूजर्स, यानी पी रोम को केवल एक ही यूजर एक ही बार मॉडिफाई कर सकता है, और इट इज ए यूजर मॉडिफिबल रोम दैट कैन बी इरेज्ड एंड रिप्रोग्राम्ड रिपीडली थ्रू ए नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, यानी ये एक यूजर मॉडिफिबल रोम है, इसे नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज द्वारा बार बार इरेज और रिप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, द इंस्ट्रक्शन रिटन बाई द यूजर कैन नॉट बी इरेज्ड फ्रॉम पी रोम, यानी जब यूजर एक बार इंस्ट्रक्शन को लिख देता है पी रोम पर, तब उसे और इरेज नहीं कर सकता। द इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द यूजर कैन बी इरेज्ड फ्रॉम ई पी रोम, और यूजर इंस्ट्रक्शन ई पी रोम पर लिख देने पर उसे इरेज कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टोरेज कैपेसिटी इज हाई, यानी पी रोम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, और स्टोरेज कैपेसिटी इज मोर हाई कम्पेयर टू पी रोम, यानी ई पी रोम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा है पी रोम से। उसके बाद अगला पॉइंट, स्पीड इज स्लो, यानी पी रोम की जो राइटिंग स्पीड है वो स्लो है, और स्पीड इज फास्टर, यानी ई पी रोम की जो रीड राइट स्पीड है वो तेज है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज इनएक्सपेंसिव, यानी पी रोम सस्ते होते हैं, और इट इज एक्सपेंसिव, यानी ई पी रोम महंगा होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, एग्जाम्पल सी डी आर, यानी पी रोम की जो एग्जाम्पल है वो है सी डी रिकॉर्डेबल, और ई पी रोम की जो एग्जाम्पल है वो है पेन ड्राइव। तो ये था डिफरेंस बिटवीन पी रोम एंड ई पी रोम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।